हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी लाइफ। आज हम बात करने वाले हैं पांच ऐसे इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड की जो बहुत ही आसानी से हमारे घरों में अवेलेबल होते हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे इसे डेली रूटीन में हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ये पांच इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ब्लैक पेपर को। ब्लैक पेपर, जिसे हम काली मिर्च भी कहते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला मसालों में से एक है। ब्लैक पेपर में पेपरिन केमिकल होता है। इस केमिकल से बॉडी में कई तरह के इफेक्ट दिखाई देते हैं। ये दर्द को कम करने, ब्रीथिंग इम्प्रूव करने और इन्फ्लामेशन को कम करने में मदद करता है। ब्लैक पेपर नेचुरल तरीके से इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसमें विटामिन सी होता है जो कि एक एंटीबैक्टीरियल और टॉक्सिन को दूर रखता है। ब्लैक पेपर को डेली खाने में मसालों के रूप में इंक्लूड कर सकते हैं, बट ध्यान रहे डेली एक या दो टीस्पून से ज़्यादा काली मिर्च को खाना मल्टीपल साइड इफेक्ट कर सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा काली मिर्च ना खाएं। ब्लैक पेपर में प्रेजेंट पेपरिन केमिकल ब्लड क्लॉटिंग के टाइम को कम कर देता है। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा ना खाएं, इससे एबॉर्शन के चांस हो सकते हैं। इसके बाद दूसरा है गार्लिक। गार्लिक एक 12 महीने होने वाला प्लांट है जो कि बल्ब के शेप का होता है। गार्लिक एक हर्ब है जो दुनिया में हर जगह पाया जाता है। ये एलियम ओनियन फैमिली का प्लांट है। फ्रेश और क्रश गार्लिक में सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड एलिसिन, एजोइन, डायलाइट, पॉलीसल्फाइड और कुछ तरह के एंजाइम, सेपोनिन्स, फ्लेवोनाइड्स पाया जाता है। गार्लिक एक लो कैलोरीज और विटामिन सी वाला फूड है जिसमें विटामिन B6 और मैग्नीज भी मिलता है। गार्लिक अच्छा इम्यूनिटी सप्लीमेंट होने के साथ ये कोल्ड और कफ होने से भी प्रिवेंट करता है। ये जर्म से लड़ने और इम्यून सिस्टम की मदद करता है। अब बात करते हैं जिंजर की, यानी कि अदरक की। अदरक यानी कि जिंजीबेर ऑफिसिनेल एक फ्लावर प्लांट है जिसका यूज़ मसाले और एक मेडिसिन की तरह किया जाता है। इंडिया में इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। जिंजर में पाया जाने वाला एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे कि फिनोलिक एंड टर्पिन कंपाउंड, ये पाए जाते हैं। जिंजर में एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड सच एस विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन, ल्यूटीन, लाइकोपीन, ये सभी पाए जाते हैं। जिंजर हर्बल सप्लीमेंट है जिसका यूज़ नेचुरल रेमेडी, एंटीमिटिक, कार्मिनेटिव और स्टिमुलेंट में किया जाता है। ये एक अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि सूजन को भी कम करता है। अदरक गले को शांत करता है, चेस्ट कंजेशन से राहत देता है और शरीर को बहुत ज़रूरी धक्का देता है जो कि इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। जिंजर की एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की वजह से जिंजर बॉडी की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। सुबह सुबह खाली पेट अदरक की चाय या औषधीय अदरक को लेने से कई बीमारियां दूर हो सकती है और इम्यूनिटी मजबूत होती है। अदरक का रिकमेंडेड डोज 250 mg से 1 ग्राम के बीच का होना चाहिए। इससे ज़्यादा क्वांटिटी में जिंजर को लेना नुकसान कर सकता है। अब बात करते हैं कुछ सावधानियों की। अगर पेशेंट को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, कार्डियक डिसीज़ है, डायबिटीज़ का पेशेंट है, हाइपरटेंशन है, हाइपोटेंशन है, तो एक बार फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट कर लें। चौथा इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड है लेमन। सिट्रस लेमन, जो कि फ्लावर प्लांट रोटेसी फैमिली छोटे और सदाबहार पेड़ की एक प्रजाति है जो कि साउथ एशिया और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में पाई जाती है। लेमन्स आर एक्सलेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड फ्लेवोनॉइड विच आर एंटीऑक्सीडेंट्स। लेमन में विटामिन सी स्ट्रेस को कम करने और वायरल इन्फेक्शन और थ्रोट इन्फेक्शन से लड़ने में मदद कर सकता है। सिट्रस आम सर्दी को दूर करने के लिए एक चमत्कार से कम नहीं है। ये एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल भी है। इसमें विटामिन सी की ज़्यादा मात्रा इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। रोज़ सुबह लेमन वाटर पी सकते हैं। हॉट लेमन वाटर पीने से डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहता है और बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है। और इसके बाद सबसे लास्ट में है टर्मरिक। टर्मरिक एक फ्लावरिंग प्लांट है जो कि कुरकुमा लौंगा जिंजीबेरेसी फैमिली का है। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। इसके रूट्स मोस्टली कुकिंग में यूज़ किए जाते हैं। इसका येलो कलर इसमें उपस्थित कुरक्यूमिन के कारण होता है। टर्मरिक एक अच्छा एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखता है। इसकी ये प्रॉपर्टी होने के कारण ये इचिंग, इन्फेक्शन, डिप्रेशन और आर्थराइटिस में मदद करता है। टर्मरिक का रिकमेंडेड डोज 500 से 2000 mg पर डे होना चाहिए।
ये रोग पैदा करने वाले वायरस और बैक्टीरिया के अगेंस्ट बॉडी की डिफेंस के लिए नेचुरल तरीके से मदद करता है। टर्मरिक पाउडर को दूध के साथ ले सकते हैं या सुबह हल्के गर्म पानी के साथ पी सकते हैं। तो दोस्तों, जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की है उसमें एक सब्सटेंस कॉमन था, वो है विटामिन सी। तो इससे पता चलता है कि विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में किसी भी फूड को ना खाएं, जितना रिकमेंड डोज है उतना ही खाएं। अगर कोई सीवियर डिसीज़ है तो अपने फिजिशियन से कंसल्ट जरूर कर लें। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट में मुझे बताएं कि क्या चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसे इम्प्रूव कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक। बाय बाय दोस्तों।